सकते हैं हमारे पास में एक इतना बड़ा बॉक्स आया हुआ है, और इसमें क्या है, ये शूज रैक है। मुझे पहले से ही पता, क्योंकि मैंने ही मंगाया तो मुझे पता है, अब ये इतना फट चुका है तो मैं इसको यहीं से चाहूँ तो आराम से इसको फाड़ ही सकता हूँ, क्योंकि इसको खोलने की जरूरत मुझे पड़ेगी नहीं। अब इसमें से एक मुझे पेपर मिला देखने को, इसको खुद ही असेंबल करना पड़ेगा। ये तो लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए अच्छे से लिखा है क्या चीज़ है। ये होल्डर है, मेटल शूज पैक नंबर 2, इजी टू इंस्टॉल। कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे लगाना है, वो सब कुछ यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो उस हिसाब से आप इसको मेंशन कर सकते हैं, मतलब इस हिसाब से आपको यूज कर सकते हैं, आप लगा सकते हैं। तो फाइनली जो प्रोडक्ट का मिलेगा रिव्यू, वो कुछ ऐसा हो जाएगा, कवर कर जाएगा, मतलब इस तरीके से आपको लगाना है बाई साइज करके, उसके बाद वो क्या करना है, इस तरीके से आप सेटअप कर सकते हो। कितना लेयर है इसमें, 4 लेयर है, 3 लेयर, 2 लेयर है, वो देखना है कितना लेयर आपका है। तो वैसे यहाँ पर सब कुछ स्टेप बाय स्टेप दिया गया है, फटाफट से इसको हम भी देखते हैं करके होता है कि नहीं होता है। शायद मेरा तो 4 लेयर है, तो इसमें इसको हम पैकेट को फाड़ लेते हैं, फिर एक बार देखते हैं कि इसमें कैसा प्रोडक्ट निकलता है। तो ये तो फटा हुआ ही है, इधर से हम इसको थोड़ा सा और फाड़ लेते हैं, क्योंकि अब इसको क्या ही खोलना, जो पहले से फटा हुआ था इससे हम इसको कर सकते हैं, और हम इसको फाड़ सकते हैं, फाड़ के यहाँ से निकाल सकते हैं। ये फट गया और ये निकल भी गया, मेटल बोला गया तो मेटल तो मुझे नहीं दिख रहा है भाई साहब। यहाँ पर एक मिनट रुकिए, क्या लिखा हुआ, मेटल शूज रैक नंबर 2, ये मेटल तो नहीं है, नहीं ये मेटल नहीं है। देखिए आपको खुद दिख जाएगा, ये जो है ये हार्ड फाइबर है, मेटल नहीं है, झूठ बोला जाता है क्या कंपनी द्वारा, मतलब इसमें लिखा तो गया मेटल, बट मेटल तो नहीं है। यहाँ पर भी एक देखिए, यहाँ पे है, ये 2 निकल गया, उसके बाद ये तीसरा निकल गया, उसके बाद ये चौथा छोटा सा निकल गया, ऐसे मैं पूरा निकालता हूँ बारी बारी से, तो फिर ये 5वां निकला, और इसके बाद क्या है, 5वें के बाद से हाँ ये मेटल है। अच्छा इसकी मेटल की बात कर रहा हूँ, शायद कंपनी इसकी बात कर रही है, मेटल ये मेटल है, और ये 8वां हो गया, कुछ है और नहीं यार, ये भी तो मेटल नहीं लग रहा है, मे भी ये भी प्लास्टिक का ही लग रहा है, बहुत कंपनी मेटल बोल रही है। आगे देखते हैं क्या है, और भी है, ये बड़े बड़े साइज के, अच्छा छोटे साइज के बड़े साइज के, इसको भी हम बाहर निकालते हैं, यहाँ से खोलेंगे तो ये निकल जाएगा। अच्छा ये बड़े साइज का है इतना, और भाई छोटे साइज के थे अभी अभी, और भी है कितना इसमें है भाई आइटम, और भी कुछ है, ओके ये पर्दा रहा इसका कवर करने के लिए, और भी कुछ है, हाँ और भी कुछ है। तो इतने छोटे से बॉक्स में इतना सारा कुछ इसमें से आ गया, एक बार हम इसको साइड करते पूरा निकाल देते हैं। ओके इतना सब निकल चुका है पूरा प्रोडक्ट, और भी कुछ है इसमें नहीं, तो बॉक्स में देखिए अभी कुछ भी नहीं है, बॉक्स बिल्कुल खाली हो चुका है, और इसको हम बॉक्स को ऐसे साइड में फिर देते हैं। चलो बॉक्स साइड में गया, अभी हम देखते हैं इसमें कितने हैं सब, देखिए आप एक बार ध्यान से, इतने सारे इसमें हैं। तो ये पूरा इसको हमको अभी क्या करना पड़ेगा, असेंबल करना पड़ेगा, मतलब पूरा हमको सेटअप करना पड़ेगा। तो सेटअप करके अभी हम आपको फटाफट से दिखा देते हैं इसका सेटअप होगा क्या होगा पूरा। तो ये सारा कुछ है इसमें, और ये इसका कवर है, मतलब ये जो है ना इसको पूरा ढकने के लिए यहाँ पे कवर है विथ चैन, मतलब चैन के साथ में इसको आप बंद कर सकते हैं। तो ये सब कुछ है पूरा कम्प्लीटली, जो पहला तो मतलब ये रहा इसका कवर, पूरा इसको आपको कवर पैक कर सकते हैं। और कितने इसमें आइटम्स मिले हैं वो एक बार देखते हैं हम, पूरा फटाफट गिनते हैं। देखिए यहाँ पर तो ये हमारे हो गए 2, और ये 2 4 के बाद से 5 4, और ये हुआ 3 7, 4 के बाद से ये 3 10, और 10 से 1 हो गया 11 है ना। तो इतना आपको तो ये पूरा 11 हो गया, ये पूरा क्या है फाइबर है सब, इधर का दिख रहा है ना, सब फाइबर है 11। और इसके बाद से फिर इसमें भी हैं, ये पाइप पता नहीं कितनी कितनी है, तो इसमें जितना होगा उसके बाद इसमें भी होगा। इसी हिसाब से अगर हमको सेटअप करना है इनको पूरा, तो अभी हम फटाफट से इनको लगाना चालू करेंगे, और फिर देखते हैं कि कैसे ये सेटअप होते हैं कि नहीं होते हैं वो सारा कुछ। तो यहाँ पर इसमें दिया हुआ भी है कैसे आपको लगाना है, क्या करना है सारा कुछ, तो इसके हिसाब से हम एक बार असेंबल करने का ट्राई कोशिश करते हैं कैसे होता है, फिर उसके बाद एक बार पहला तो हम लगा लेते हैं, उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं कि होता है कि नहीं होता। तो फ्रेंड देख सकते हैं मैं तो इसको असेंबल करने जा रहा था, लेकिन मुझे एक चीज़ दिखा, ये जो भी है ना ये मेटल के नाम पर ये क्या है, ये फाइबर है, पाइप्स हैं सब पाइप हैं, और ये भी क्या है ये पूरा का पूरा एक पाइप है, मतलब ये भी सब पाइप हैं बड़ी बड़ी, और ये तो कवर है इसको ढकने के लिए, और इसके साथ साथ ये भी है जो ये भी फाइबर का ही है। इसमें से एक टूटा हुआ भी मुझे मिला है, देखिए ये मुझे लगा कि ये ऐसे 4 5 6 होंगे, ये क्या है ये टूटा हुआ, देख सकते ना अब यहाँ पर टूट गया है यहाँ से, मैं अभी इसको लगाने के सोच रहा था, देखिए इसी का टूटा हुआ है ना, इसका टूटा हुआ पार्ट है ये, इन दोनों को मिलाएंगे तो आपस में मिल जाएंगे। तो ये इधर है इसका दूसरा पार्ट, गिर भी गया नीचे तो वो टूट गया है, मतलब कि टूटा हुआ इसका हिस्सा था वो, इसको साइड करते हैं, यहाँ पे चप्पल पड़ा हुआ है किसी का,
अभी यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको देखिए, इसको हम लगाते हैं। देखिए इसी का ऐसा है, ये टूट गया जो था, तो इसका ये यहाँ से टूटा हुआ है। अब कंपनी में टूटा, कैसे टूटा मुझे नहीं पता, बट मैं तो निकाला हूँ तो ऐसे सेम का सेम था। फिर मैं सोचा इसको असेंबल करूँ, लेकिन असेंबल करना तो बड़ी बात है, मतलब ये सब क्या है, सारे के सारे ये फाइबर, मतलब ऐसे इसको इस कंडीशन में आपको क्या करना लगाना है, ऐसे ऊपर बाई ऊपर ऐसे लेवल लेवल बाई लेवल करते जाएंगे, ऐसे चलेगा। ये तीन चार लेवल का है पूरा, तो इसको सेटअप करना। लेकिन मुझे एक्चुअली अच्छा लग नहीं रहा प्रोडक्ट, ये इसको वापस करना पड़ेगा मुझको। जैसा कि फ्लिपकार्ट ने बताया तो है कि चीज का ऐसे है, लेकिन मुझे इसकी क्वालिटी समझ में नहीं आ रही है। अगर आप इसे लेना चाहें तो आपकी पसंद है वो, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं आया प्रोडक्ट, मैं फाइनली बता रहा हूँ आपको। इसे अनबॉक्स कर दिया हूँ मैं, ये पूरा इसे सामान मिला है, ये भी पूरा मिला है, और ये अभी जाएगा फिर वापस जहाँ से आया वहाँ पर। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।